साथियों, आज आपसे बात करते हुए मुझे पहले की सरकारों का दोहरा रवैया, जनता से उनकी बेरुखी भी बार बार याद आ रही है। मैं इसका जिक्र भी आपसे जरूर करना चाहता हूं। सब जानते थे कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए, यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था, लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। मुझे याद है जब बात आर्या पार की हो गई, तब बहुत बेमन से, बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा गोरखपुर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई थी। साथियों, आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोहिया जी जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। साथियों, यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता है कि योगी जी के पहले की जो सरकार थी, उसने कैसे गन्ना किसानों को पैसे के भुगतान में रुला दिया था। किस्तों में जो पैसा मिलता था, उसमें भी महीनों का अंतर होता था। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को लेकर कैसे कैसे खेल होते थे, क्या क्या घोटाले किए जाते थे, इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के लोग अच्छी तरह परिचित है। साथियों, हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है, आपका जीवन आसान बनाने में जुटी है। भाइयों बहनों, आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबतें
विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए। हम ये बदलाव लाना चाहते हैं। पहले की सरकारों के वो दिन भी देश ने देखे हैं जब अनाज होते हुए भी गरीबों को नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार ने सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए हैं और योगी जी पूरी ताकत से हर घर अन्न पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इसका लाभ यूपी के लगभग 15 करोड़ लोगों को हो रहा है। हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को होली से आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथियों, पहले बिजली सप्लाई के मामले में यूपी के कुछ जिले वीआईपी थे, वीआईपी। योगी जी ने यूपी के हर जिले को आज वीआईपी बनाकर बिजली पहुंचाने का काम किया है। आज योगी जी की सरकार में हर गांव को बराबर और भरपूर बिजली मिल रही है। पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। आपका ये आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।